एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर ऑयलिंग रूटीन। तो मैं हेयर ऑयलिंग कैसे करती हूँ, हेयर मसाज कैसे करती हूँ एंड हेयर ऑयलिंग के बाद क्या करती हूँ, हेयर वॉश के बाद क्या करती हूँ, तो सब बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैं पैरासूट एडवांस ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं ये वाला अपने हेयर में लगाने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया है। तो पहले तो मैं अपने हेयर को ओपन कर लेती हूँ। ओपन कर लिए हैं एंड दो पार्टीशन कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉटन बॉल लिया है एंड इसमें ऑयल को डिप करना है। और अब इसे लगाना है। आप इसे फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। लगाना है। मैं पहले पूरे हेयर में ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मसाज करती हूँ। इस तरह से वीक में कम से कम दो बार तो ऑयलिंग करनी ही चाहिए। बस इसी तरह से मैं पूरे हेयर में लगाती हूँ ऑयल पहले पार्टीशन कर करके। पीछे के बालों में भी लगाना है। एंड कॉटन वॉल की हेल्प से बहुत ही अच्छे से लग जाता है। और तो मेरा पूरा ऑयल फिनिश हो चुका है। थोड़ा सा और ऑयल चाहिए। मेरे हेयर में ऑयल लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। अभी तो ये सिर्फ जड़ों में ही ऑयलिंग की है मैंने, बाकी बालों में तो ऑयलिंग करना बाकी है। तो अब मैं हेयर में भी कर लेती हूँ ऑयलिंग, उसके बाद हेयर मसाज। पूरी लेंथ तो नहीं आ पा रही मेरी वीडियो में,
आपको अगर मेरे हैवी हेयर ऑयलिंग की वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको। एंड हाँ, एक टिप्स और मैं देना चाहूँगी कि जैसे आप तो ये देख रहे हैं, ये आगे की हेयर मेरे तो नहीं निकले हैं, मेरे तो हेयर सबका ही है, सही है। बाकी जिनके आगे के ये हेयर होते हैं यहाँ पे इस एरिया में कम हो जाते हैं, तो वो ऑयलिंग करें और उसके साथ एलोवेरा जेल होता है, प्लांट वाला हो या फिर ये वाला हो, कोई भी ले सकते हैं। एंड ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पूरा इसमें आपको मसाज करनी है, ये यहाँ पर लगाना है आपको, यहाँ पर इस एरिया में। मसाज करते टाइम मैं पूरे सर को इस तरह से दबाती हूँ और ये करने से बहुत ही आराम मिलता है सर में। अगर हेडेक भी हो रहा हो तो वो भी नहीं होता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी चालू हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा करने से। और मैं तो ये कभी भी कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऑयल मसाज करूँ तभी ही करूँ, मैं ये कभी भी कर लेती हूँ। और अब मैं मिलती हूँ आपसे हेयर वॉश के बाद। एंड अगर आप नाइट में ऑयलिंग कर रहे हैं तो फुल नाइट रखना बहुत अच्छी बात है, और अगर आप दिन में कर रहे हैं तो कम से कम आपको 3-4 घंटे तो ऑयल रखना ही है। तो अब मैं मिलती हूँ हेयर वॉश के बाद। मैं फिर से आ गई एंड मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मैंने भी एंड हेयर को नेचुरली ड्राई किया है और मैंने अभी हेयर को डिटेंगल भी नहीं किया है, कॉम्ब नहीं किया है अभी मैंने मेरे हेयर में। तो अब मैं सीरम यूज करूँगी। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बस ये रिबॉन का सीरम है, सीरम आपको जड़ों में नहीं लगाना है, सिर्फ बालों में लगाना है। वैसे मैं रेगुलर सीरम यूज़ नहीं करती हूँ हेयर ब्रश करने के बाद, क्योंकि हेयर ब्रश करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही कॉम करने से ही हेयर मेरे टैंगल फ्री हो जाते हैं। तो मुझे सिरप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो ये ऊपर ऊपर के हेयर तो ड्राई हो चुके हैं मेरे, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने कॉम्ब नहीं किया है, एक भी बाल नहीं आएंगे, एक आध ही अगर टूटे तो टूटे, निकले तो निकले, वो तो नॉर्मल होता है। बट अगर आपके भी हेयर वॉश करते टाइम बहुत सारे बाल निकलते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप हेयर वॉश करने से पहले अपने हेयर को डिटेंगल कर ले, टेंगल फ्री कर ले, तो आपके हेयर बिल्कुल कम, जितने टूटते होंगे उससे तो बिल्कुल कम निकलेंगे। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। उसके बाद मेरे अगर मैं डिटेंगल भी करती हूँ तो आराम से हो जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी मेरे हेयर ऊपर से सूख चुके हैं,
शीट अभी अंदर से गीले हैं, तो मैं अभी कॉल नहीं कर सकती, वरना तो जो बचे हुए हैं जो अभी तक नहीं टूटे हैं 2, 4, 5, 10 जो भी है, वो सारे टूटने के चांसेस है, तो टूट सकते हैं। तो अभी मैं कॉल नहीं करूँगी। एंड हाँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं तो मैंने मेरे चैनल पे एलोवेरा हेयर ऑयल वाली रेमेडी शेयर की हुई है, आप वो देख सकते हैं। मैं रेगुलर वो यूज़ करती हूँ जिससे मेरे हेयर बिल्कुल भी उलझते नहीं है। ये आपको जवे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो हेयर ऑयल की कैसी लगी एंड